इन्वेस्टर, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। दोस्तों आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री और कुछ बड़े बड़े स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके पहले बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि उसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए जो आपको अच्छा मौका देगा प्रॉफिट का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा रहेगा, इन्वेस्ट किया रहेगा, तो ज़रूर आपको मुनाफा मिल जाएगा रहेगा। आपको बताना चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री सबसे मुनाफे वाली कंपनी, टॉप 10 में से 8 का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.1 करोड़ बड़ा है। और HDFC बैंक और HDFC ही मात्र ऐसी एक कंपनी रही है जिनके बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि देश की टॉप 10 कंपनी में से 8 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बीते सप्ताह 1.1 करोड़ रुपया बड़ा है। इस दौरान रिलायंस सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी रही है रिलायंस इंडस्ट्री का। दोस्तों इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी TCS नाम के पे जो जाना जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है। लेकिन HDFC बैंक और HDFC कंपनी का बाजार पूंजीकरण में जो है अच्छी तरह से गिरावट दिखने को मिला है। दोस्तों तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देख रहे हैं तो ये सब भी आपको देखना चाहिए। दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों वो है कि इस कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। तो आपको कंपनी का नाम बताना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है 33,534.56 करोड़ रुपया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है 20,619.84 करोड़ रुपये। TCS ये भी एक अच्छा कंपनी है दोस्तों, बहुत जन का इसमें भी निवेश है, तो इसमें जो है 17,673.73 करोड़ रुपये का बढ़ोतरी हुई है। भारतीय एयरटेल 13,911.68 करोड़ का बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों ये सब जो बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज़ का नाम है, तो इन लोगों का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अच्छा खासा बढ़ा है जो टॉप 10 कंपनीज़ है उसमें से। और बजाज फाइनेंस का भी दोस्तों 8,014.92 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटलेशन जो है वो बढ़ गया है। ICICI बैंक का भी 6,138.64 करोड़ रुपया बढ़ा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि अभी अच्छा चल रहा है मार्केट पे, और इसका मार्केट कैपिटलेशन दोस्तों जो है आपको 5,666.73 करोड़ बड़ा है। दोस्तों इसके साथ इन्फोसिस भी इसमें बना हुआ है, इन्फोसिस का भी अच्छा खासा मुनाफा मार्केट कैपिटलेशन में निकला है, वो है 3,832.8 करोड़। तो ये सब दोस्तों मार्केट का जो है टॉप 10 कंपनी से जिसका मैंने लिस्ट आपको बताया, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताया दोस्तों। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि कौन से कंपनी अभी अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, तो ये लिस्ट के हिसाब से आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिलने का संभावना है। लेकिन उसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंपनी में और कुछ न्यूज़ आता है क्या, तो जब भी कोई कंपनी से ये सब में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है दोस्तों तो भी ये हो सकता है कि आपको रिटर्न दे, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कंपनी से बड़े बड़े दिग्गजों का कंपनीज है और इसमें सब मास्टरमाइंड बैठा है। तो इसमें आपको हो सकता है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक देख रहे हैं तो शायद से मतलब इसमें आपको लॉस देगा। लेकिन अगर आपको ये सब स्टॉक लेना है, ये सब मार्केट के 10 स्टॉक में है, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा आपको। शुक्रिया दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हम लोग का नया सब्सक्राइबर है, नया व्यूअर से वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग हमेशा आपके मुनाफे के हिसाब से आपके इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्टॉक के बारे में एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस और एकदम जो पुख्ता न्यूज़ है वही आपको हम लोग देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एंड रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।